मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है, उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कुछ ने तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आप ही करनी है, कैसे? एक बाप की याद में रहने से और याद की यात्रा में रहने से, यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है, सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर क्योर होती रहती है। गीता, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फिरते फिरते युग बीते, कितने युग? 2 युग। सत्युग त्रेता में कोई भी माला नहीं फिरते। कोई की बुद्धि में ये नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला, उतरती कला होती है, उतना और किसी की नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी बनता है, भारत ही निर्विकारी भारत ही विकारी। और खंडों व धर्मों से इतना तैलुक नहीं है, वह कोई हेविन में नहीं आते, भारतवासियों के ही चित्र हैं। बरोबर राज्य करते थे तो बाबा समझाते, अब तुम्हारी चढ़ती कला है, जिसका हाथ पकड़ा है वह तुम्हें साथ ले जाएंगे, जिसका हाथ पकड़ा है वो साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की चढ़ती कला है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है, 21 पीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरती कला हो जाती। कहते, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। आज सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है, उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार था। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अर्जुन 40,000 वर्ष चलनी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है, समझाना भी बड़ा युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। पहले पहले दो परिचय बाबा का, सबसे पहले तो दो बाबा का परिचय। भगवान उवाच, गीता सबका माई बाप है, वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल ना सके, तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है, बाइबल आदि को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछना ही ये है कि परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, क्या तैलुक है। सभी का बाप एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते, जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप आकर तुम्हें पावन बनाते हैं युक्ति से, पतित पावन बाप पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं, पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा। और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया, उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे क्या? उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे। बाबा के फरमान पर ना चलने से पाप आत्मा बन जाएंगे। ये दुनिया है पाप आत्माओं की, राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुम बच्चों की चढ़ती कला है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त बैठे हो, सिर्फ बाबा को याद करना है। माला आदि फेरने की बात नहीं,
बाबा को याद करते हुए तुम काम करो, याद करते करते याद में रह के सेवा करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं, बाबा ने फरमान किया ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बनते हो, पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। हमने इतना समय बाबा की याद में रहकर अपने को निरोगी बनाया अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। उनको ये पता नहीं 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अब राजयोग की पढ़ाई करते हो। वो लोग कहते हैं गॉड फादर आ गया, कहीं है जरूर। सो तो जरूर होगा ना, विनाश के लिए बॉम्ब्स निकल चुके हैं। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना और हेल का विनाश कराते होंगे। ये तो नरक है, कितनी लड़ाई मारा मारी है, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा के ले जाते, कितने उपद्रव होते। अब तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। हम सब सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते, वह कुख वंशावली तुम मुख वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो ना सके, तुम्हें अडॉप्ट किया जाता। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है, ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताएं नमा, ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं। परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हों। समझते हैं ये ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते, ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है, वह जिस्मानी यात्राएं ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं। ये रूहानी यात्रा कितनी मीठी है, जब हम बाबा को याद करते हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते। अब तुम जानते हो मीठे शिव बाबा की मत पर चल, उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ किसके पास आए हो। बुद्धि में है कि ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, हम उनके पास आए हैं। सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है। तुम्हारा भी साजन है शिव, फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो। याद करना है शिव को। ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए समझाने के लिए। बाबा खुद दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना। सजनियों का योग साजन के साथ है, जो मीडियम है उन्हें याद नहीं करना, जिससे संबंध जुड़ाया गया उनको याद करना है। तो दलाल को याद नहीं करना, सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके भ्रिकुटी के बीच में बैठ मैं मुरली चलाता हूँ। कल्याण करने अर्थ कोई को साक्षात्कार कराने के लिए, मुरली सुनाने के लिए कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको ये ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, देह अभिमान में आ जाते। वास्तव में अहंकार भी नहीं आना चाहिए, सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते बाबा को याद करो, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। ये तो बीच में दलाल है, इनको उसका अवजा मिल जाता। फिर भी ये वृद्ध अनुभवी तन है, ये बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे, नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं, अब तुम संगम पर बैठे हो। झाड़ के चित्र में दिखाया नीचे भी तपस्या करते हुए, ऊपर भी दिखाया ब्रह्मा बाबा को। बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया। जगत अम्बा है काम धेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली।
कपिल देव भी कहते हैं। कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा मात पिता, ये कपल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता, तो उनको याद करना पड़े। मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। ये सब है महिमा के लिए। इस समय शिव शिव आकर अपना, स्वयं शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं। स्वयं शिव बाबा हमें अपना बच्चा बनाते, फिर तुम बाप को बैठ थोड़ा ही पूजेंगे। बाबा आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं। बाबा आते हैं गटर से निकालते हैं, प्रतिज्ञा कराते हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाबा कहते गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे, माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। और कोई सन्यासी आदि ये बातें नहीं सिखाते। कोई हैं जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते 6 मास में, कोई तो बहुत अजामिल होते। बाबा ने बहुत गुरु किए हुए हैं, वैसा कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते, तो सेंसिबल जो होगा वो झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो तो हमें कैसे कहते हो। फिर भी कहते जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो निर्वाण धाम में जाएंगे। जाते तो कोई नहीं, ताकत ही नहीं। सब आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहाँ आत्मा स्टार मिसल रहती हैं। हम आत्माओं का निवास स्थान मूल वतन, जहाँ स्टार मिसल रहते हैं। ये पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते, बिंदी की पूजा कैसे होगी। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, तो आत्मा का बाप भी ऐसे होगा ना। बाप को देह नहीं, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती। बाप को परमात्मा कहा जाता, वह तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, वह कोई बड़ा नहीं है, उसमें नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को कोई भी नहीं जानते, बाप ही नॉलेजफुल है। ये जो बेहद का झाड़ है इसे और कोई नहीं जानते, बाबा ही नॉलेजफुल है। ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता और कोई को मिल ना सके। मनुष्य कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते, तो ये सब अंधश्रद्धा है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानी ही ग्लानी है। श्री कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। लॉर्ड कृष्णा गॉड कृष्णा भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हैविन का पहला प्रिंस लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं, दोनों गॉड गॉडेस हैं। पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं, पुरानी पुरानी स्टैंप भी बिकती हैं। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है, सबसे पुराने से पुराना शिव बाबा, परंतु किसी को पता नहीं। महिमा सारी शिव बाबा की है, वह चीज़ तो मिल ना सके। पुराने से पुरानी चीज़ कौन सी है। नंबर वन शिव बाबा, कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं, तब पूजते किसको हो। शिव नाम तो है ना, देश भी है काल भी है। खुद कहते मैं संगम पर आता हूँ, आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। अब तुम बच्चे समझते हो, शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिख दी, जिससे उतरती कला हो गई। चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग, फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना ना सके। ये बातें धारण करनी है, और कोई भी काम आदि करते याद में रहना, कोई भी कार्य करते हुए हाथों से काम करना है, मन बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध के काम करते हैं, श्रीनाथ श्री कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना, शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह के बनाना चाहिए, उससे बहुत बल मिलेगा। श्री कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते। अब तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें लायक बनाया जाता। तुम बाबा को याद करते हो, फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं बाबा को याद करो तो आप श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए श्री कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वो कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक श्री कृष्ण का नाम बाला है। श्री कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है,
बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किर दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप ददक का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप ददक को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, कभी अपने उस्ताद का नाम बदनाम नहीं करना, बाबा का नाम बदनाम नहीं करना। अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना, ये भी देह अभिमान है। किसी के लिए ये नहीं सोचना इसका कल्याण मैंने किया, ये भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है, कल्याण कराने वाले बाप को याद करना है। बहुत ही स्पेशल वरदान, अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या कि हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या कि हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते हैं रोज अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, जो हो गया जो हो रहा है नथिंग न्यू, फुल स्टॉप भी बिंदी। ये तीन बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। तीन बिंदियों का तिलक लगाएंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे, क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ, जिस समय कोई बात होती है फुल स्टॉप लगाओ, नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, साक्षी बनकर देखो आगे बढ़ते चलो। जो होना था वो हो रहा है, साक्षी होके देखो आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।